क्या हुआ है मैडम आज इतनी आप खफा क्यों हैं? देखिए मेरी खफगी की बात नहीं है, हम एक पूरे सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेट में सारी इकाइयों के हकूक यहाँ नुमाइंदा होते हैं, हम उनके हकूक के जामिन हैं, और यहाँ अगर बात नहीं हो सकती, कोई इशू हुकूमत के साथ कमेटी में रिजॉल्व नहीं हो सकता, कोई जवाबदेही का अमर नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या नशिस्तन बर्खास्तन कमेटियाँ हो रही हैं? अंगूठा छाप काम हमें नहीं करना। अगर यहाँ इज्जत नहीं है किसी सूबे की, अगर यहाँ इज्जत नहीं है किसी पार्लियामेंट की, तो फिर हमें बता दें और साफ कह दें कि यह पार्लियामेंट हमें TADA की ज़रूरत नहीं है, ये बातें ये इस तरह करने की नहीं है। यहाँ इस वक्त मुल्क में शदीद सर्दी के और में गैस क्राइसिस हुई हुई है, जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, जो सूबा 70% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, उसका आइनी हक है और ये आशिकें आइन में मौजूद हैं। बलूचिस्तान के वेलहेड के हवाले से, सिंध के गैस के वेलहेड के हवाले से, ऑयल के वेलहेड के, ये KP के लिए सारी इकाइयों के लिए एक वजह है, ये सारी बातें, ये हुकूक मुंजमद हैं और उनके सारी जमानत कर रहा है आइन। लेकिन यहाँ पे आप देखें एटीट्यूड क्या है कि हमने तो शेड्यूल किया, अच्छा जी वो तो है नहीं। भाई आपको पता है कि मीटिंग इस दिन शेड्यूल हो रही है, ये 6 महीने से इशू चल रहा है, ट्रक की बत्ती के ऊपर लगाया हुआ है पीछे कि हम सिंध के गैस का इशू कब करेंगे। कभी कहते हैं MD हटा दिया, कभी कहते हैं कुछ हटा दिया। वहाँ कराची में आप चाय का कप नहीं बना सकते, आप गर्म पानी से नहा नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, और वो सूबा प्रोड्यूस कर रहा है सारी गैस। आप मुझे बताएं, आप सस्ती गैस वहाँ से लेके यहाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं सिंध को कि आप महंगी इंपोर्टेड गैस खरीदें, किस लिए? तो ये जवाब मुझे लेना था, शायद उनके पास कोई बहुत मौजूद जवाब हो, हम सुनने तैयार हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं की जा रही, सिंध तो मिनिस्टर्स तो एब्सेंट होते हैं, तो वो किस काम के लिए ये रखी है फौज पूरी मिनिस्टर्स की, मुझे नहीं पता। ना पार्लियामान में मौजूद होते हैं, ना कमेटियों में जवाबदेह होते हैं, तो है किस काम के, और क्यों पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ बने हुए हैं? तो वापस